बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोमिनास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही इजी सी रेसिपी, लाहौर के रेस्टोरेंट की एक बहुत ही फेमस रेसिपी है पापड़ी चाट, और बहुत ही टेस्टी बनती है, मेरी फेवरेट है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे मैं आपको बताती हूँ। आपने लेना दही 1 कप, इसकी हम चटनी बना लेंगे। पापड़ी आपने ले लेनी है 1 कप या जितनी आप यूज करना चाहते हैं। आपने लेनी है रोलपट्टी, उसको कट करके आप फ्राई कर लें। 1 कप आपने लेना है प्याज, उसको बारीक काट लें। ठंडे पानी में आपने इसको डिप कर देना है नमक डाल के, ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो खत्म हो जाए और प्याज जो है वो क्रंची हो जाएगा। 3 छोटे साइज के टमाटर लिए मैंने 1 कप, 1 कप बॉयल चने, और 1 कप आपने लेना है बूंदी लेनी है आपने, उसको आपने बॉइलिंग वाटर में जो है वो डिप कर देना है ताकि वो फूल जाए। और उबले आलू आपने लेने हैं 1 कप। इसके अलावा मसालों में इसमें जाएगा नमक, अजवाइन जाएगी, रोस्टेड भुनी हुई अजवाइन, चाट मसाला, फ्रेश पुदीना आपने लेना है, हाफ लेमन ले लेना है, भुना जीरा आपने लेना है, और काली मिर्च। इसके अलावा इमली की चटनी, होममेड चटनी है, इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूंगी। तो सबसे पहले हम अपनी दही की चटनी बना लेंगे। तो मैंने लिया 1 कप दही, होममेड दही है, थोड़ा गाढ़ा हो और मीठा हो, और इसको अच्छी तरह आपने बीट कर लेना है। इसमें अब ऐड करूंगी मैं भुना हुआ जीरा 1 टीस्पून, और नमक जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। दही की चटनी हमारी रेडी हो गई है, इसको हम साइड पे रख देंगे। अब आपने एक बड़ा बर्तन ले लेना है, बड़ी परात ले सकते हैं, बड़ा कोई बाउल ले सकते हैं। इसमें आपने ऐड करना है सबसे पहले बूंदी है 1 कप, चने जाएंगे 1 कप बॉयल, प्याज जाएगा 1 कप, चॉप टमाटर 1 कप, और आलू जाएंगे 1 कप। अब इसमें हमने 1 टीस्पून नमक ऐड करना है, हाफ टी स्पून काली मिर्च, चाट मसाला जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून, और भुनी हुई अजवाइन जाएगी इसमें 2 चुटकी। पुदीना भी इसमें हम ऐड कर देंगे अपना, और नींबू भी। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। बहुत ही इजी सी रेसिपी है ये, और बहुत ही टेस्टी बनती है, मेरी फैमिली की तो ये फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट रेसिपी है, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरी चाट रेडी हो गई है, अब हम इसे सर्व करेंगे, और असेंबल कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब मेन चीज़ है इसकी सर्विंग, इसको सर्व कैसे करना है। आपने एक छोटा बॉल लेंगे आप, जितना आपने सर्व करना है, उसमें 2 चम्मच आप अपनी चाट ऐड करेंगे, इस पे दही डालेंगे आप, दही की चटनी जो आपने बनाई थी। और इस पे हम अपनी पापड़ी ऐड करेंगे। होममेड इमली की चटनी ऐड करेंगे अब इसमें,
और थोड़ा सा चाट मसाला। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी है। मेरी चाट रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी पापड़ी चाट बनी है और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। अपनी दुआओं में आप लोग ज़रूर याद रखें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह दोबारा एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।